चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता है और तमिलनाडु का राजधानी भी है। आज के इस वीडियो में हम टॉप टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताने वाले हैं चेन्नई का, कैसे जाएंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। पहला विजिट आप कर सकते हैं मरीना बीच, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, और इसका वीडियो हम आपको एक एक टूर आपको दिखाएंगे अच्छे तरीके से। चेन्नई पहुँचने के लिए आप रेल के माध्यम से पहुँच सकते हैं या एयरपोर्ट के माध्यम से चेन्नई एयरपोर्ट उतर सकते हैं, या फिर रेलवे के माध्यम से जा रहे हैं तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन में आप उतर सकते हैं और तत्पश्चात आप अपना प्लान कर सकते हैं। पहला स्थान होता है मरीना बीच, दूसरा होता है कपिलेश्वर टेम्पल जो कि यहाँ पर आप घूम सकते, और तीसरा जो होता है अष्टलक्ष्मी टेंपल, जो कि ये भी काफी ज्यादा 7th सेंचुरी में बना हुआ टेंपल आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे चेन्नई का म्यूजियम जा सकते हैं, जो कि ये काफी ज्यादा फेमस है, और इसके साथ साथ में जब आप म्यूजियम घूम लेंगे तो आप चेन्नई का स्नो वर्ल्ड घूम सकते हैं, और इसके पश्चात आप चेन्नई का चिड़ियाघर घूम सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं चेन्नई का मरीना बीच का पूरा वीडियो। कहते हैं कि चेन्नई आए और मरीना बीच ना घूमे तो ऐसा हो नहीं सकता, और यहाँ पे आपको बहुत सारे बीचेज मिल जाएंगे, अलग अलग बीच का अलग अलग नाम है, लेकिन फिलहाल अभी मौजूद हैं हम मरीना बीच में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बीच में से एक आता है जब कभी भी आप चेन्नई आएंगे। और यहाँ पे कैसे आएंगे और साथ साथ में किस तरीके से आप घूम सकते हो और जो अंदर का दृश्य है वो काफ़ी अद्भुत रहता है। फिलहाल आप देखिए, ये एंट्रेंस गेट है जहाँ पे मेन रूट में आपको रोड के पास उतार दिया जाएगा, और वहाँ से पैदल चलेंगे तो ये काफ़ी दूर तक आपको जो है पैदल ही चलना पड़ेगा। फिलहाल जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग मरीना बीच के अगल बगल में बैठे हुए रहते हैं, ज़्यादातर कपल वगैरह इन सभी दुकानों के पास, और जो है उन सब का चलता ही चलता है। तो फिलहाल हम अभी बीच के पास चलते हैं और आपको नज़दीक में जाके दिखाते हैं। अभी धूप काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि अभी हम आ चुके हैं दोपहर का टाइमिंग में, तो अभी ज़्यादातर ये दुकानें जो अगल बगल में दिख रहा है ये बंद नहीं है, और पूरी तरीके से ये रेत है, रेतों में चलना पड़ेगा आपको, और काफ़ी दूर आगे जाएंगे तब जाके फिर आपको बीच मिलेगा। तो ये देखिए, ये बीच के जस्ट बगल में इस तरीके से दुकानें मिलेंगे जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगी। फिलहाल हमें उस जगह पे जाना है, यानी कि आगे पूरी तरीके से समुद्र ही समुद्र है आगे, तो उस जगह पे जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे घोड़े का भी आनंद ले सकते हैं, और ये बीच के करीब हम पहुँच चुके हैं। बीच में कुछ इस तरीके से मिलेगा, अभी चूँकि ज़्यादा भीड़ नहीं है, भीड़ तो है लेकिन क्या कि बटा हुआ है, ये पूरा मरीना बीच ही कहलाता है यहाँ से लेकर वहाँ तक उस बिल्डिंग तक, तो भीड़ जो है वो इकट्ठा एक जगह पे नहीं है, धीरे धीरे करके है। लेकिन देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, वाओ। बीच में तो नहाना चाहिए बट नहा नहीं पाएंगे, लेकिन देखो यार कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, वाओ। लहरें देखिए आप, क्या खूब है मरीना बीच, पानी गंदा है बट, और बीचों से ना यहाँ पानी थोड़ा सा गंदगी है। ये पूरा मरीना बीच ही कहलाता है, और भीड़ देखो आप कितना ज्यादा है, सभी लोग लुत्फ उठा रहे हैं इस खूबसूरत से समुद्र का, जहाँ पे आपको बोटिंग करने के मजा के साथ साथ में नहा भी सकते हैं दोस्तों। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी आगे ले चल के हम आपको दिखाते हैं, लेकिन देखो कितना खूबसूरत ये पल। बहुत सारे बीचेस का टूर हमने करवाया, लेकिन ये मरीना बीच तो बिल्कुल भी यूनिक है यार, बहुत लंबा चौड़ा है, और कहते हैं कि ये बिगेस्ट, एशिया के बिगेस्ट बीचों में से एक आता है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। जैसे जैसे आप मरीना बीच में आगे की ओर बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ते ही जाएगी, चाहे आप शाम आए, सुबह आए, जब भी आए, देखिए कितने लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से ना समुद्र के किनारे लोग नहाते हैं और साथ साथ में इंजॉय करते हैं, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर हम बेस्ट टाइमिंग की बात करें तो या तो फिर आप सुबह आएँ अर्ली मॉर्निंग, या फिर आप जो है शाम को आएँ, चूँकि धूप में आप घूम नहीं पाएंगे पूरी तरीके से। ये रहा मरीना बीच, जो कि बहुत ही लंबा है, इंडिया का लार्जेस्ट सबसे बड़ा बीचों में से एक आता है, और एशिया में भी ये सबसे बड़े बीचों में से तीसरा या चौथे नंबर में नंबर वन आता है आपका मरीना बीच। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अभी फिलहाल और आगे जाके आपको दिखाते हैं। स्टॉल के साथ में ये देखिए लोगों का इंजॉय, कितना खूबसूरत है यार, बहुत
बहुत तेज लहर है, लहर भी जो है ना आपको थोड़ा सा कमी नहीं आएगा लहर में, बहुत तेज लहर है। और इतने तेज लहरों में जब आप नहाएंगे तो फिर गजब का वो मोमेंट होता है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होता है इस जगह पे जहाँ अभी हम चल रहे हैं, उस जगह के नज़दीक जाके हम आपको दिखाएंगे कितना ज़्यादा भीड़ है। देखिए और ये खूबसूरत नज़ारा आपको देखने के लिए मरीना बीच ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा है। जब उधर से आप तय करेंगे ये पूरा सफ़र, तो ऐसे ही देखते 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 बहुत लंबा आपको चलना पड़ेगा। और हर एक जगह पे लोग नहाते हैं, क्योंकि ये पूरा बीच काफ़ी बड़ा है, तो जिसको जहाँ पे सूटेबल पड़ता है वहाँ पे वो स्नान करने के लिए चले जाते हैं। और अक्सर लोग जब आते हैं तो मरीना बीच में ज़रूर नहाते हैं। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा जब कभी भी आप चेन्नई आते हैं। इसी के सामने में आपको जो है स्टेडियम भी, क्रिकेट स्टेडियम भी मिल जाएगा। जो जीवन में कुछ करो या ना करो, ट्रैवल जरूर कर लो दोस्तों, क्योंकि ट्रैवल जब आप करेंगे ना तभी ये सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप चेन्नई का, ऐसे अनेकों बीच हैं इंडिया में, लेकिन चेन्नई का बीच जैसा यार बिल्कुल आपको दूसरा बीच नहीं मिलेगा। देखिए भीड़ कितना ज़्यादा है, चारों तरफ से भीड़ ही भीड़ है। तो आप कुछ करो या ना करो, ट्रैवल जरूर कर लो इस जीवन में ना, घूम फिर लो, देख लो, मोमेंट को एंजॉय कर लो भाई। एक चीज़ है कि यहाँ पे आने के लिए ना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, मरीना बीच यानी कि जो रेलवे स्टेशन आएंगे, सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई का, वहाँ से 5 किलोमीटर के रेंज में यानी कि रैपिडो से आएंगे तो 30 रुपये आपको लगेगा। और मेट्रो से आते हैं तो गवर्नमेंट स्टेट जो है मेट्रो स्टेशन उतरना, और वहाँ से 10 रुपये देंगे ऑटो वाले तो ले आएगा। गवर्नमेंट स्टेट से जो है वो किराया 10 रुपये है, यानी कि 2 किलोमीटर है वहाँ से, तो पैदल भी आ सकते हैं चिपॉक स्टेडियम देखते हुए, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। जस्ट इसी के बगल में चिपॉक स्टेडियम भी है, तो ये कुछ नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा बाल का लुक ना आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से ना वो एक तो पूरा खारा रहता है इसका पानी, मुंह में जाएगा बहुत ही खारा लगेगा। दूसरी बात कि जब आप किनारे बैठेंगे तो पूरी तरीके से बालू जो है ना चिपचिपापन आ जाएगा पूरा शरीर में, बाल में और इधर, अगर आप नहीं नहाए फिर भी बीच के किनारे। लेकिन बहुत मज़ा आता है यार बीच में, देखो हिंदू मुस्लिम सभी लोग नहाते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई ये है, सब जातिवादी जाति पाति से परे इस समुद्र में सबको डुबकी लगाते हैं, सबको इंजॉय करते हैं इस पल को, और इसीलिए खास करके लोग आते हैं। जगह जगह पे पुलिस प्रशासन भी दी गई है ताकि कोई लोग डूब ना जाए, इसकी वजह से ना हर एक जगह पे आपको पुलिस के ये सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे जो कि लगातार नोटिस करते हैं कि कोई डूब ना जाए, उसके लिए ये जो है बजा के फिर उनको बुलाते भी हैं ज़्यादा दूर अगर आप ज़्यादा गहराई में चल जाए तो ये बहुत ही अच्छा साधन दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरा टूर था आप चेन्नई का, जब कभी आते हैं मरीना बीच तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं और देख सकते हैं। चूंकि काफ़ी संख्या में लोगों की जनसंख्या रहती है, हालांकि मेरा आवाज़ पता नहीं कैसा आ रहा होगा, लेकिन काफ़ी संख्या में भीड़ रहता है। और कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से, बीचों में से अगर इंडिया में आपको घूमना है तो चेन्नई का बीच है,
जो कि मरीना बीच जब कभी भी आप आएंगे तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें अगल बगल में बहुत सारे मार्केट लगते हैं, वहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे ले भी सकते हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था, अभी और आगे ले चलते हैं आपको, थोड़ा सा एंड पॉइंट चलते हैं कहाँ तक ये बीच जाती है और वहाँ पर भी हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ये देखो आप, शाम का टाइमिंग जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे और लोग जो है वो मस्ती कर रहे हैं और पूरी तरीके से मस्ती में डूबे हुए हैं। पूरी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे हर एक इंसान जो है वो ज़रूर इस समुद्र में गोता खाते हैं, नहाते हैं और जो है अपना टाइमिंग स्पेंड करते हैं जब किसी के साथ आते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पे घोड़े की भी फैसिलिटी है, जो कि घोड़ा वगैरह अगर आपको चढ़ना है तो घोड़े पे भी चढ़ सकते हैं और घोड़े पे चढ़ के और पूरा बीच के किनारे उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोगों की जनसंख्या जो है वो कम होती जाती है, लेकिन फिर भी लोगों की जो है ना भीड़ वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। मेन पॉइंट पर जहाँ पर लोग उतारते हैं ऑटो वाले, उस जगह पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बाकी पॉइंट पे भी भीड़ रहता है। चूँकि अक्सर जो है जब आप साइलेंट जगह पे नहाएंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे, और भी मज़े आएंगे। तो दोस्तों ये पूरा टूर था, अब यहीं पे हम वीडियो को एंड करते हैं, चूँकि काफ़ी टाइमिंग हो गया है, काफ़ी लंबा हो चुका है। अभी रात का अगर हम रुकते हैं तो रात का भी हम आपको टूर दे देंगे, इस मरीना बीच में रात का क्या माहौल रहता है वो भी हम आपको दिखा देंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कैसा लगा जरूर देखिएगा और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मरीना बीच का अभी हम रात का भी हम एक और वीडियो बना देंगे, उसको सेकंड सीरीज में आप देख सकते हैं। थैंक यू। ये पूरा चेन्नई का टूर आप जब आप करेंगे तो दो दिन में आप सभी जगह पे घूम सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पे रहने के लिए सबसे अच्छा माध्यम अगर आप अकेले हैं तो चेन्नई रेलवे स्टेशन सेंट्रल के सामने ही डॉर्मेटरी रूम रहता है, जिसका वीडियो हमने अलग से बनाया, वहाँ पे आप 200 रुपये में रुक सकते हैं। इससे अच्छा आपको सस्ता नहीं मिलेगा। और ट्रैवल करने के लिए मेट्रो का सहारा लें, चिपो का स्टेडियम जब आप जाएंगे उसी के सामने आपको जो है मरीना बीच मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आप चेन्नई में कवर कर सकते हैं। मंदिर थोड़ा सा दूर है लेकिन 7th सेंचुरी का मंदिर, ओल्डेस्ट मंदिर आप देख सकते हैं। थैंक यू। और घूम सकते हैं, पूरी तरीके से चेन्नई को कवर कर सकते हैं। यह पूरी जानकारी था चेन्नई से रिलेटेड। आशा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई जानकारी चाहिए कमेंट में पूछिएगा। और पूरे खर्चे की बात करें 2000 से 3000 में आप पूरी तरीके से चेन्नई घूम सकते हैं, और साथ साथ में यहाँ पे एयरपोर्ट भी है। थैंक यू सो मच।